गोविंदगढ़ पुलिस ने किया लूट का खुलासा, तीन बदमाश चलती बाइक से मारते थे झपट्टा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। रीवा जिले की गोविंदगढ़ पुलिस ने 20 दिनों के अंदर हुई दो लूटों का खुलासा कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले इंडियन बैंक से 1,00,000 रुपए घर लेकर जा रही महिला दिन दहाड़े लूट का शिकार हो गयी। वारदात के बाद पुलिस हरकत में आ गयी और तुरंत ही मुखबिर की मदद ली गयी। पड़ोसी जिले सीधी व सतना बॉर्डर में लुटेरों को उठाया गया, तब संदेह के आधार पर तीन बदमाश पकड़ में आए। लुटेरों ने पहले ही महिला के साथ 1,20,000 दिन पूर्व एक वृद्ध से 20,000 छीनने की बात स्वीकार की। ये बदमाश सतना के ताला क्षेत्र से आकर वारदात करते थे, फिर कभी सीधी तो कभी गांव निकल जाते थे। ऐसे में पुलिस को शक नहीं होता था। लुटेरों की निशानदेही पर 1,00,000 कैश व एक बाइक बरामद हुई है। गोविंदगढ़ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बताया कि 23 जनवरी को रामबाई साकेत पति फूलचंद लूट की शिकार हो गई। इंडियन बैंक गोविंदगढ़ से 1,00,000 रुपए लेकर घर जा रही थी। लुटेरे बाइक में सवार होकर आए और फिर महिला को झपट्टा मारकर पन्नी छीन लिए। रिपोर्ट के बाद टीम गठित कर आरोपियों की घेराबंदी की। कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद तीनों संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए, जिन्होंने वारदात को स्वीकार किया है। वहीं 4 जनवरी को राम शिरोमणि पांडे पुत्र राम निरंजन निवासी बासा मैहरिया टोला भी लूट का शिकार हो चुका था। पीड़ित ने बताया कि इंडियन बैंक गोविंदगढ़ से 20,000 लेकर घर जा रहा था। पैसे को कपड़े के झोले में रखकर गांव के लिए साइकिल से निकल गया। तभी बासा गुरौलियन टोला के पास बाइक सवार दो अज्ञात बदमाश आए, जिन्होंने उनकी साइकिल के हैंडल में टंगा हुआ झोला लेकर भाग गए। पुलिस ने आरोपी लकी उर्फ टिंकू सिंह निवासी जमुना टोला, रोहित चतुर्वेदी निवासी अजमाइन और मोहित कोल निवासी कोतर नई बस्ती, तीनों आरोपी सतना जिला के थाना ताला के हैं। फिलहाल तीनों आरोपियों को जिला अदालत में पेश किया गया है। इसी प्रकार की अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।